हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो फॉक्स एंड्रॉइड। तो आज हम देखेंगे कि जब हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में स्विच करते हैं, जो एंड्रॉइड का डिफॉल्ट एनिमेशन होता है उस एनिमेशन को हम कैसे चेंज करेंगे और जो हमारा ट्रांजिशन है उसको कैसे एक स्मूथ ट्रांजिशन में कन्वर्ट करेंगे। राइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस कर दो ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालता हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास टू एक्टिविटीज है, एक्टिविटी वन और एक्टिविटी टू। यहाँ पे मैंने दो बटन्स दिए हुए हैं जिसको दबाने से आप दूसरी एक्टिविटी में स्विच हो जाओगे। अगर एक्टिविटी वन वाला बटन दबाओगे तो एक्टिविटी टू में चले जाओगे, एक्टिविटी टू का बटन प्रेस करोगे तो एक्टिविटी वन में आ जाओगे। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे करते हैं ये स्विचिंग, बटन दबाने से एक्टिविटी की स्विचिंग कैसे करते हैं, तो मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर उस वीडियो को देखें फिर इस वीडियो को देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ लगे। राइट, तो अभी मैं लेट कर रहा हूँ कि आपको एक्टिविटी स्विचिंग आती है। मैंने उसका कोड यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। राइट, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर हम ट्रांजिशन नहीं करते हैं, कस्टम ट्रांजिशन नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ऐप कैसी दिखती है। राइट, तो मैं अपने आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। तो मोबाइल स्क्रीन पे मैं इसी ऐप को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं एक्टिविटी वन पे आ गया हूँ। अब जैसे ही मैं इसको स्विच करता हूँ, स्विच करने के बाद एक्टिविटी टू पे आया। अब ट्रांजिशन देखना, अब एक्टिविटी टू से जब मैं एक्टिविटी वन में जाऊँगा तो बहुत अजीब सा ट्रांजिशन। राइट, डिफॉल्ट ट्रांजिशन है, बहुत स्मूथ नहीं है। एक्टिविटी टू में जाते हैं, एक्टिविटी वन में जाते हैं, तो ये है इसका ट्रांजिशन। राइट, तो इस ट्रांजिशन को हम चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे हम रिसोर्स पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू एंड्रॉयड सोर्स डायरेक्टरी, इसके बाद यहाँ पे रिसोर्स टाइप में आप सिलेक्ट करोगे टॉप में जाके NM, और इसका बाय डिफॉल्ट टर्म NM रहेगा, इसको ओके कर देंगे। राइट, तो यहाँ पे आपका ये फोल्डर आ गया है। इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एनिमेशन रिसोर्स फाइल। राइट, और इसके बाद यहाँ पे आप इसको नाम दोगे r.slide। और इसको थोड़ा बेटर करने के लिए विल गिव स्लाइड अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर राइट, तो इससे हमें जो रीडेबिलिटी है इसकी बढ़ जाएगी। ओके कर देते हैं। उसके बाद दो और फाइल्स बनाएंगे, स्लाइड इन लेफ्ट स्लाइड आउट राइट, स्लाइड आउट लेफ्ट राइट। तो चलिए इसको कोड कर लेते हैं, स्लाइड इन राइट में जाते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेट नाम का एक एलिमेंट बनाएंगे हम, ट्रांसलेट राइट, विल सेट द एंड्रॉइड ड्यूरेशन will take medium anim time right from x delta 100% pixel to x delta
विल सेट इट 0, ओके लुकिंग गुड। इसके बाद हम जाएंगे स्लाइड आउट लेफ्ट में, आई विल सिंपली कॉपी दिस, फ्रॉम डेल्टा एक्स में हम 0 कर देते हैं और इसको माइनस 100% पिक्सल राइट। के बाद स्लाइड इन में मैं कॉपी कर लेता हूँ, माइनस 100% पी टू 0, स्लाइड आउट लेफ्ट में, स्लाइड आउट राइट राइट। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, टूल सेट 0 हेयर एंड माइनस 100%। फ्रॉम डेल्टा एक्स 0 to इट शुड बी 100% पी आई गेस। ओके फाइन। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे चार ट्रांजिशन बना लिए हैं, इसको जल्दी से समझ लेते हैं। अगर मैं पेंट में जाऊँ, पेंट में जाकर अगर मैं एक स्क्रीन बनाता हूँ राइट, ये मान लीजिए आपकी एक्टिविटी है, तो इस पॉइंट को हम 0 लेट कर रहे हैं राइट। पुट इट 0% पी, सो दिस पॉइंट इज 0% पी राइट। और जब आपका ये वाला फेज यहाँ चली जाएगी, ये एक्टिविटी अगर मैं बोल रहा हूँ, ये एक्टिविटी जब यहाँ चली जाएगी, वी कॉल इट 100% पी, दिस इज कॉल्ड 100% पी। यही एक्टिविटी अगर इधर चली जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, वी कॉल दिस एज -100% पी। राइट, दिस इज द डिफॉल्ट लोकेशन। ओके, अब यहाँ पे एंड्रॉइड में जाते हैं, अब देखते हैं स्लाइड इन राइट में हमने क्या लिखा है। स्लाइड इन राइट में लिखा है फ्रॉम 100% पी टू 0, दैट मींस अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, दिस इज 100% पी एंड दिस इज 0, तो दैट मींस मेरी एक्टिविटी ऐसे आएगी राइट। अगर स्लाइड इन राइट बोलता हूँ 100% पी से जब 0 पे आएगी तो ऐसे एंटर हो जाएगी। स्लाइड इन लेफ्ट में हमने क्या लिखा है, -100% पी टू 0, That means ये कुछ ऐसा हो जाएगा, -100% पी स्टार्टिंग पोजिशन एंड दिस इज द फाइनल पोजिशन, ऐसे एंटर होगी। उसके बाद स्लाइड आउट राइट में हमने क्या लिखा है, 0 से स्टार्ट करना है, 100% पे एग्जिट कर देना है राइट। तो स्लाइड आउट में क्या होगा हमारा, 0 से स्टार्ट करेगा वो, दिस इज 0, 0 से स्टार्ट करके 100 पे एग्जिट कर देगा। उसके बाद हमने स्लाइड आउट
लेफ्ट में क्या लिखा है, जीरो से स्टार्ट करो -100p पे ले चले, जीरो से स्टार्ट करो -100 पे ले चलो, दैट मीन्स दिस थिंग। तो यहाँ से तो जैसे ही हम एग्जिट करेंगे किसी से राइट, तो हम ये आउट वाले यूज करेंगे, और जैसे कोई एक्टिविटी में इन करेंगे तो हम ये इनसाइड वाले यूज करेंगे राइट। आई गेस मैंने आपको ये चारों ट्रांसलेशन समझा दी हैं। अब हम जावा कोड में चलते हैं, विल गो टू फर्स्ट एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी में यहाँ पे मैंने इंटेंट क्रिएट करवा के राइट इस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में स्विच किया है। जस्ट इसके नीचे आप क्या करोगे, ओवरराइड पेंडिंग ट्रांजिशन आर डॉट एन एम डॉट स्लाइड इन लेफ्ट आर डॉट एन एम डॉट स्लाइड आउट राइट राइट। इसके बाद हम चलते हैं अपनी सेकेंड एक्टिविटी में, सॉरी गो टू दी जावा कोड। जावा कोड में जाके हेयर विल राइट ओवर राइट पेंडिंग ट्रांजेक्शन आर डॉट, विल जस्ट मेक द अपोजिट ऑफ दिस जो हमने यहाँ पे किया है, स्लाइड विल पुट इट स्लाइड इन राइट आर डॉट स्लाइड आर डॉट एन एम डॉट स्लाइड इन राइट एंड आर डॉट एन एम डॉट स्लाइड आउट लेफ्ट राइट। देख लेते हैं यहाँ पे क्या किया है। तो यहाँ पे हमने सेट किया है दैट द एंट्री शुड बी स्लाइड इन लेफ्ट एंड द एग्जिट शुड बी स्लाइड आउट राइट। ओके तो सेकेंड एक्टिविटी में एंट्री शुड बी स्लाइड इन राइट एंड द एग्जिट शुड बी स्लाइड आउट लेफ्ट, दैट मीन्स जब एंटर करेंगे सेकेंड एक्टिविटी में राइट साइड से एंटर करेगा और जब लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड से एग्जिट करेगा। सिमिलरली फर्स्ट एक्टिविटी में लेफ्ट साइड से एंटर करेगा और राइट साइड से एग्जिट करेगा। तो यही हमारा कोड था। अब जल्दी से मैं मोबाइल कनेक्ट करता हूँ और उसको रन करके देखते हैं, और देखते हैं अगर हमारी ऐप सही से रन करती है। तो लेट मी क्विकली कनेक्ट माई सेलफोन। ओके गाइस ऐप इंस्टॉल हो चुकी है मोबाइल में। अब जल्दी से मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ। ओके दिस इज आवर फर्स्ट एक्टिविटी राइट। ओके जब मैंने अब इसको स्विच किया सेकंड एक्टिविटी में, तो आप बहुत स्मूथ ट्रांजिशन देखोगे, और आप देखोगे एक्टिविटी वन ने राइट साइड से एग्जिट किया बिकॉज हमने उसके एग्जिट पोजिशन में क्या लिखा है, स्लाइड आउट राइट। उसके बाद जैसे ही मैं एक्टिविटी टू से स्विच करता हूँ तो इट गोज द अदर वे अराउंड। अब ये लेफ्ट से एग्जिट किया और एक्टिविटी वन ने राइट से एंटर किया राइट। सो ये हमारा कोड था, आई गेस इट्स वर्किंग क्वाइट फाइन। तो यार आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो, और उसके साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि मैं इस चैनल पे रेगुलर अपडेट वीडियोस को अपडेट करने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें, और अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में नए हैं तो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन आइकन राइट। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बाय।